नमस्कार दोस्तों, मैं कनिका बंसल आपका स्वागत करती हूँ अपने स्टोरी पॉडकास्ट कुछ तो बात है के नए एपिसोड में, जिसके लेखक हैं आनंद बंसल जी। हमारी पिछली कहानी घड़ी की खूनी सुई के पार्ट वन में आपने सुना कैसे घड़ीसाज लखनपाल ने सेठ बनवारी लाल की घड़ियों को जहां जहां बेचा वहां वहां रहस्यमय तरीके से खून होते चले गए। अब तक 3 खून हो चुके हैं। अब एक घड़ी सेठ जी की पत्नी अपने घर ले गई और एक उनका दामाद प्रमोद। आइए सुनते हैं आगे क्या हुआ। सेठ जी लखनपाल की ये बात सुनकर घबरा गए और फौरन भागे अपने घर की तरफ अपनी पत्नी को बचाने। घर पहुंचते ही उन्होंने घड़ी देखी। अपनी पुरानी घड़ी देखकर एक पल तो उससे लगाव आया, पर दूसरे ही पल सारे कत्ल याद आए। भेड़ की खाल में भेड़िये की कहावत की तरह उन्हें अपनी प्यारी घड़ी में प्यासा खूनी नजर आ रहा था। हड़बड़ी में सेठ जी ने घड़ी उठाकर किसी और कमरे में लगा दी। बदकिस्मती से वहां उस दिन नौकरानी सो गई। इसी बीच दामाद की घड़ी भी हटाकर उन्होंने अपने घर के स्टोर रूम में बंद कर दी। 3 दिन कैसे निकले सेठ जी ही जानते हैं। हर दिन उन पर भारी पड़ रहा था। 3रे दिन की रात को सेठ जी को नींद नहीं आ रही थी। उन्हें फिर उल्लू के फड़फड़ाने की आवाज आई। नीचे हॉल में सीधे उल्लू के सामने जाकर खड़े हो गए। उन्होंने देखा जैसे उल्लू बोल रहा हो, काम होने वाला है। तभी सेठ जी ने गौर किया, घड़ी की बड़ी सुई गायब है। सेठ जी समझ गए आगे क्या होने वाला है। झटपट भागे उस कमरे की तरफ जहां चौथी घड़ी लगी थी और दंग रह गए ये देखकर कि वहां नौकरानी सो रही है। उन्होंने देखा एक हाथ जिसने कमरे में टंगी घड़ी की छोटी सुई नौकरानी की कनपटी में घुसाई। नौकरानी तड़पने लगी, फिर दीवार घड़ी की बड़ी तलवार सुई से उसका पेट चीर दिया। नौकरानी वहीं मर गई। गौर से देखने पर सेठ जी को हाथ के पीछे एक परछाई नजर आई। उस परछाई ने छोटी सुई नौकरानी की कनपटी से निकाल कर वापस कमरे की घड़ी में लगा दी और बड़ी सुई लेकर गायब हो गया। अचानक उन्हें लगा उनके पीछे से कोई निकला है। फौरन मुड़ने पर उन्होंने देखा परछाई उनके हॉल की तरफ भाग रही है। सेठ जी ने उस परछाई का पीछा किया। उस परछाई ने बड़ी सुई को वापस घड़ी में लगा दिया और उल्लू बोल पड़ा, काम हो गया। सेठ जी उस परछाई की ओर लपके, पर वो दीवार फांदकर गायब हो गई। इस घटना से सेठ जी को एक बात तो समझ आ गई कि कोई तो है जो उन्हें इन घड़ियों की आड़ में फंसाना चाहता है। सेठ जी ने तुरंत पुलिस को फोन किया और सारी बात बताई। इंस्पेक्टर कुंदे मौके वारदात पर हाजिर हुआ और अपनी तफ्तीश करनी शुरू कर दी। सबसे पहले इंस्पेक्टर कुंदे सेठ जी के साथ नौकरानी के कमरे में गया। वहां घड़ी की छोटी सुई फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए निकाल ली और जैसे ही हॉल में आकर दीवार घड़ी की बड़ी सुई निकाली तो उल्लू बोल पड़ा। इंस्पेक्टर को बहुत हैरानी हुई। उसने वापस सुई लगाई, फिर निकाली, फिर उल्लू बोल पड़ा। उसके बाद दोनों सुई फिंगरप्रिंट टेस्ट के लिए भेज दी। इंस्पेक्टर वरांडे की ओर गया जहां परछाई छलांग लगाकर भागी थी। इन सब कार्रवाई के दौरान सेठ जी ने अपने दामाद प्रमोद को भी वहां बुला लिया था। इंस्पेक्टर ने वरांडे का मुआयना करते हुए सेठ जी से पूछा, सेठ जी, माना आपने उसका चेहरा नहीं देखा, पर उसकी कदकाठी तो देखी होगी। सेठ जी बोले, हाँ इंस्पेक्टर, 35-36 साल का रहा होगा, मेरे दामाद प्रमोद की तरह, उसी की कदकाठी का था।
ये सुनते ही इंस्पेक्टर की नजर दीवार के पास गिरे लॉकेट पे गई। उसने वो लॉकेट उठाया और सेठ जी के पास ले आया। पूछा, ये आपका लॉकेट है? सेठ जी ने कहा, नहीं तो, ये तो मेरे दामाद का है, मैंने ही उसे गिफ्ट किया था। प्रमोद लॉकेट देखकर चौंक गया, बोला, ये यहाँ कैसे आया? ये तो पिछले हफ्ते चोरी हो गया था। एक दिन मैंने ये लॉकेट उतारा और सो गया, सुबह देखा तो गायब था। इंस्पेक्टर ने घड़ी का मुआयना किया तो सेठ जी ने उसे लखनपाल के बारे में बताया। लखनपाल के बारे में सारी कहानी सेठ जी ने इंस्पेक्टर को बताई, साथ साथ ये भी बताया कि कैसे लखनपाल ने पैसों के बदले उनकी 5 नायाब घड़ियां ली, और अपना शक भी कि जहां जहां ये घड़ियां गईं वहां वहां खून होते गए। 4 घड़ियां, 4 खून, 5वीं घड़ी कहां है? इंस्पेक्टर ने पूछा। 5वीं घड़ी का नाम सुनते ही सेठ जी ने प्रमोद की ओर देखा और चुप हो गए। शायद इंस्पेक्टर कुंदे सेठ जी की नजरों को तार गया था। इंस्पेक्टर कुंदे ये कह के कि मैं फिर आऊंगा, चला गया। सुबह वो लखनपाल की दुकान गया, वहां उसने सेठ जी की 5ों घड़ियों के बारे में छानबीन की, जिससे उसे ये पता चला कि एक घड़ी सेठानी ले गई थी और एक घड़ी उनका दामाद प्रमोद ले गया। सेठानी की घड़ी का राज खुल चुका था, पर प्रमोद की घड़ी का क्या राज था? शायद जिस तरह सेठ जी ने प्रमोद की तरफ उस समय शक की नजरों से देखा, तो हो सकता है उस घड़ी की जानकारी सेठ जी को भी हो। उसका शक लखनपाल और प्रमोद पर ही जा रहा था, क्योंकि अगर सेठ जी पर शक करता तो सेठानी का खून होता, जो नहीं हुआ। लखनपाल के फिंगरप्रिंट्स लेकर वो वहां से चला गया। उसने सेठ जी को थाने में बुलाया और कड़क के पूछा, प्रमोद की घड़ी के बारे में आप क्या जानते हो? सेठ जी पहले से ही घबराए हुए थे, इंस्पेक्टर के पूछने के स्टाइल से वो और घबरा गए। घबराहट में उन्होंने बोल दिया, 5वीं घड़ी जो प्रमोद ने खरीदी थी, उससे मेरी बेटी का खून ना हो जाए, इसलिए मैंने वो घड़ी वहां से उठाकर अपने स्टोर रूम में छुपा दी, जो प्रमोद नहीं जानता। गुत्थी सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। इंस्पेक्टर को अब ये यकीन हो गया था कि सेठ जी तो कातिल नहीं है। वो लखनपाल के पास फिर से गया और उसको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हुए बोला, मुझे ऐसा लगता है कि तुम कातिल नहीं हो लखनपाल। फिर तुम जितनी जल्दी मुझे सच्चाई बताओगे, मेरा शक तुम पर से उतनी जल्दी हट जाएगा। लखनपाल कहीं ना कहीं मंदबुद्धि था ही। उसने कहा, इंस्पेक्टर साहब, प्रमोद मेरा दोस्त है, इसीलिए मैं सेठ जी से जो भी घड़ी लाया उसकी सारी जानकारी प्रमोद को दोस्ती के मारे देता रहा, और प्रमोद ने मुझसे किसी और घड़ी के बारे में पूछा ही नहीं। इसके अलावा मेरा इस पूरे कत्लों में और कोई हाथ नहीं है इंस्पेक्टर साहब। हाँ, प्रमोद के कहने पर मैंने ही सेठ जी की बड़ी दीवार घड़ी ठीक की थी, और उसी के कहने पर रुपए नाले के 5 नायाब घड़ियां मांगी थी। इंस्पेक्टर अंदर ही अंदर मुस्कुराते हुए लखनपाल को खूनी समझकर लौट आया। थाने आने पर उसके हाथ में फिंगरप्रिंट्स की सारी रिपोर्ट आ चुकी थी, जिसे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ और वो अपनी बेवकूफी पर पागलों की तरह हंसने लगा। जिस तरह परीक्षा का रिजल्ट प्रिंसिपल के हाथ में होता है, उसी तरह उसके पास भी खूनी का नाम साफ साफ आ चुका था, क्योंकि घड़ी के सुई के साथ एक छोटा सा सेंसर भी उसके पास था, जिसका राज उसे उसी दिन मालूम हुआ था। वो सीधा सेठ जी के यहां पहुंच गया और वहीं लखनपाल और प्रमोद को भी बुलाया। इंस्पेक्टर ने हंसते हुए लखनपाल से बोला, अब तो बोल दे तू ही खूनी है। लखनपाल बोला, अगर मैं खूनी होता तो पहले ही कह देता इंस्पेक्टर साहब, मैं खूनी नहीं हूं।
फिर इंस्पेक्टर ने सेठ जी से कहा, खूनी तो आप भी नहीं हो, तो कौन बचा? प्रमोद, मानते हो या नहीं प्रमोद, तुम्हारे आगे सारे सबूत पेश करूं। सभी फिंगरप्रिंट्स तुमसे मैच करते हैं, और ये जो सेंसर है उल्लू पे, इस पे भी तुम्हारे ही फिंगरप्रिंट्स हैं जो तुमने लखनपाल को दिए थे लगाने के लिए। प्रमोद घबराकर भागने की कोशिश करने लगा तो इंस्पेक्टर ने उससे एक ही सवाल किया, तुमने ये सब क्यों किया प्रमोद? प्रमोद ने कहा, ये सारे खून मैंने अकेले ही किए हैं इंस्पेक्टर। सेठ जी के पास इतना धन होते हुए भी इन्होंने कभी हमारी आर्थिक सहायता नहीं की, हमेशा मुझे लताड़ते रहे, मेरा मजाक उड़ाते रहे। एक दिन मैंने भी तय कर लिया, सेठ जी को ऐसी जगह फंसाऊंगा कि उन्हें मालूम पड़ जाएगा दामाद की खिल्ली उड़ाना कितना महंगा पड़ता है। मैंने सोचा इन सारे खूनों का इल्जाम सेठ जी पर लग जाएगा और सेठ जी जेल चले जाएंगे, मैं इनकी पूरी संपत्ति का अकेला वारिस बनकर ऐश करूंगा। फिर इंस्पेक्टर ने पूछा, तुम अपने ही घर में घड़ी क्यों लेकर गए? प्रमोद ने जवाब दिया, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को भी मारना चाहता था, पर तुमने मेरे सारे प्लान पर पानी फेर दिया इंस्पेक्टर कुंदे। इसी के साथ ये कहानी यहीं खत्म होती है। हमें इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बुरा करने वाले की आंखें बुराई में बंद हो जाती हैं, और वह बदले की भावना में अपनों को भी भूलकर ऐसा पाप कर बैठता है जिसका परिणाम वो कार्य करने के बाद ही समझ पाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इसी के साथ मैं कनिका बंसल आपसे आज्ञा लेती हूँ, अगले हफ्ते फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। राधे राधे।